हाय दोस्तों, टी फोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अजियो एप्लीकेशन में आप एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अजियो एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में सीखेंगे। तो जो शॉपिंग करने वाला एप्लीकेशन रहता है उसमें अकाउंट कैसे बनाना है आज की वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको अजियो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं या फिर वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अजियो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन जब ओपन होगा अजियो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका स्टार्टिंग में दिखाई देगा। अब आपको इसमें एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलते होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे मैं इस सर्कल घुमा रहा हूँ अकाउंट लिखा हुआ जो है, इस अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं रेड जो बनाया, यहाँ पे आपको साइन इन और ज्वाइन लिखा हुआ, तो ये जो साइन इन और ज्वाइन लिखा हुआ इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन और ज्वाइन में क्लिक करेंगे, तो अब आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ रहेगा वहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप इस नंबर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आपको इस नंबर से अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो आप नीचे नॉन ऑफ द अबव करेंगे, अगर करना है तो उसी नंबर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नंबर डाल देना है, तो जिस नंबर से आप बनाना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर से नहीं बनाना, तो यहाँ पे आप फेसबुक से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके इसमें, और यहाँ पे अगर चाहें तो आप गूगल अकाउंट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल नंबर से बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे टॉप में अपना मोबाइल नंबर डालिए, या फिर ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डालिए। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। वो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको क्या कहना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू लिखा हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो ब्लैक में कंटिन्यू लिखा हुआ इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट क्लिक, चलिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, अब आपको नीचे जाना है और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करें अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो जो भी है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मेल हूँ, तो मेल में मैं अपना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं उसके नीचे जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, जिससे कि आपका डिलीवरी वाला जो बंदा आएगा वो आपके नाम से आपको कॉल करेगा। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस एक डाल दीजिए, जिससे कि जब आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो उस पर भी ईमेल वगैरह जाएगा। और यहाँ पे आप एक पासवर्ड बना लें, तो चलिए फटाफट हम पासवर्ड बना लेते हैं और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और नाम डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि नीचे, चलिए फटाफट पहले तो नाम फिल करते हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड जो है, यहाँ पे पासवर्ड में आपको क्या करना है, पासवर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे नीचे लिखा है कि 8+ कैरेक्टर, यानी कि कम से कम 8 नंबर का आपको पासवर्ड बनाना है। 8 नंबर मत यूज़ करिएगा उसमें, 8 नंबर जो है यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैश वगैरह यूज़ करना है, यानी कि अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, बड़ी छोटी लेटर आपको यूज़ करना है, और एक नंबर आपको कोई भी यूज़ करिएगा अपने पासवर्ड में, जिससे कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए फटाफट मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लूँ। जैसे कि देख रहे हैं मैंने अपना पासवर्ड बना लिया, और यहाँ पे बाय साइन इन इन एग्री टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है, तो हमने टिक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पासवर्ड हैव मिनिमम 8 कैरेक्टर विद एटलीस्ट 1 नंबर, एक नंबर होना चाहिए उसमें, 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो जो ये कह रहा है उसको आपको डालना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे 8 कैरेक्टर में मैंने बनाया पासवर्ड, बट यहाँ पे हैश या इस तरीके का या फिर कॉमा वगैरह नहीं यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे ये रेड रह गया। ओके, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। तो चलिए हम फिर से पासवर्ड को ट्राई कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे शो में क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं। तो चलिए हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे सेंड ओटीपी में हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने अपना पासवर्ड बना लिया, अब यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं सारा हमारा चीज जो है ये ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, और जो भी आपने नंबर डाला है उस नंबर के ऊपर यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, जो भी मोबाइल में लगा हुआ है वो, अगर सिम मोबाइल में लगा हो रहेगा तो खुद ब खुद यहाँ पे कोड आ जाएगा, नहीं तो आपको कोड डालने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मेरा सिम लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे कोड आ चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट शॉपिंग में हमें क्लिक करना है। जिस दोस्तों आप स्टार्ट शॉपिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड एंड कैप्चा। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लिया, यहाँ पे ये कैप्चा जो ऊपर में है इसको यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट शॉपिंग में हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, अब हमारे अकाउंट में पूरी तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे पासवर्ड सेव करना है या नहीं, तो यहाँ पे सेव पासवर्ड में हम क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारा पासवर्ड जो है यहाँ पे सेव हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जीमेल आईडी और ये पासवर्ड बन चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप
चाहे तो जियो एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे तो आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं, वॉलेट चेक कर सकते हैं, आप अपने रिवार्ड चेक कर सकते हैं और बहुत सारा यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसमें शॉपिंग करते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन जरूर दबाएगा। तो मिलती है इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।